अली हैदराबादी के साथ आपका कोई रिलेशन, मतलब कि टीम मेंबर्स पहले थे क्या ग्रुप में? भाईजान अली हैदराबादी ऐसे समझे कि हमारा पड़ोसी है, तो जाहिर सी बात है जानने वाला भी है, दोस्त भी है, भाई भी है, तो अब इसके अलावा आपको क्या बोलेंगे, पड़ोसी है हमारा। अच्छा, नहीं मैंने देखा आपकी वीडियोस में, नोट किया, तो अली ने आपकी टीम जो है उन सबको जो है वो मेंशन किया था कि मुबारक हो सबको, और जोएब भाई भी नाम उसने लिया था आपका, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप में सपोर्ट है उसकी या पहले आप उनके साथ वीडियोस बनाते थे? नहीं नहीं भाईजान, अली के साथ हमारा जितना भी फेम है हमारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। किसी भी फेमस टिकटॉकर के साथ हमारी वीडियो आपको नहीं मिलेगी पूरे अकाउंट पे, ठीक है। बाकी हाँ, जैसे अली भाई है तो उन्होंने तो जाहिर सी बात है मेहनत की है 2018 से, और 2020 में उनकी 4,000 वीडियोस थी भाई, मेरी अभी 1,000 भी नहीं हुई। हाँ, जाहिर सी बात। तो अभी बात करने की यही है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि नहीं उनके साथ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही अभी तक कोई मैंने अपलोड किए। बाकी हाँ, उन्होंने कोई ईद की, बर्थडे की, ईद की दी थी या बर्थडे की दी थी कोई वीडियो बना के उन्होंने हमें दी थी, जिससे हमने सारे ग्रुप वालों ने अपलोड की थी अपने अपने अकाउंट पे। अच्छा जोए भाई, अगर आपको हम तीन नेम देते हैं टिकटॉकर्स के, तो आप किसके किसके साथ वीडियो बनाना चाहेंगे? पहले गर्ल्स से बात करते हैं, गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं, तो हफ्सा खान या अरीशे सुमरो या जो है रबीका खान? अरीशे सुमरो से बनाएंगे क्योंकि भाई वो हमारी सिंध की है। मेल अरीशे से बात करते हैं तो अली हैदराबादी और जोगी जत, या फिर जो है हमारे सिंध के जो चलते हैं आजकल नसीर बलोच। भाईजान, हम नसीर बलोच के साथ बनाएंगे क्योंकि बाकी रही बात जुग्गी जट, जुग्गी जट ने फुल अली की सपोर्ट लेके भी अपने आप को फेमस किया है, और जो है अली तो हमारा भाई है अपना। तो अभी क्यूट अली से पूछते हैं कि इनका इंटरेस्ट किस में होता है ज़्यादातर, ये बोलता है कि मुझे यूट्यूब पे इंटरेस्ट है, तो आपको यूट्यूब में कौन कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? एक तो वो टीगर इंसान और दूसरा आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियोस देखते हो? नहीं फिर कैसे बोल रहे हो आपका चैनल अच्छा नहीं लगता? आपके बात करने से ही मुझे अच्छा लग गया। आपने नाम बताए यूट्यूबर्स के, उन उनमें से क्या आपको अच्छा लगता है? क्या कंटेंट अच्छा होता है या उनकी एक्टिंग वगैरह, टॉकिंग पावर क्या अच्छा होता है, आपको क्या अच्छा लगता है? हम बहुत तो गेमिंग वाले अच्छे लगते हैं, और जो ट्रिगर इंसान है वो मतलब फनी है, फन करते हैं और नहीं गंदी बात कोई भी नहीं करते, मतलब बच्चों के लिए वो सही है। बच्चों के लिए सही है, हाँ, बड़ों के लिए नहीं। बड़ों के लिए अच्छे हैं, पर बड़े कौन देखते हैं यूट्यूब। नहीं ऐसी बात नहीं है, आज हमारा भी यूट्यूब का चैनल है, जाहिर सी बात है यूट्यूब पे देख रहे हैं सारे बड़े ही लोग हैं, छोटे नहीं हैं। हाँ, सभी बड़े हैं, मैं नहीं बोला सब छोटे हैं, सब बड़े हैं। किसी का हेट आता है, हेट कमेंट्स आते हैं या कोई गलत वगैरह बोलता है, तो आप उनको उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? भाईजान देखो, कुछ जो लोग होते हैं वो कमेंट पे बुरा भला बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पीठ पीछे बुरा भला बोलते हैं। पीठ पीछे बोलने वाले हमेशा अपने ही होते हैं, बाकी जो कमेंट्स पे आके बोलता है उनको भाई हम जो है किसी को भी, किसी ने भी अगर गलत कमेंट कर दिया, कुछ ज़्यादा ही गलत है तो मैं रीड कर देता हूँ इग्नोर। बाकी रही बात कोई थोड़ा बहुत गलत है तो उसको मैं रिप्लाई अच्छा देता हूँ, मतलब ऐसे नहीं उसकी इंसल्ट करता हूँ, बाकी हाँ उसको ऐसा फील करवाता हूँ कि उसने गलत कमेंट किया है। अच्छा, इस पे एक मुझे शेर याद आए कि कोई मुझसे आके बोलता है कि आई हेट यू, तो उनके लिए ये शेर है कि अपना मयार बुलंद कीजिए हम आपको अच्छे लगने लगेंगे, तो ये हेटर्स के लिए है कि अपना मयार जो है ऊँचा कीजिए, आपको सब अच्छे लगने लगेंगे जो आप जिससे आप हेट करते हो, अपनी नज़रों को थोड़ा तेज़ कर लें और अच्छी अच्छी नज़र से देखेंगे तो आप सबको आपको सभी अच्छे लगेंगे। अच्छा भाई, अपने अकाउंट में आपने किसी को मदद की, आप अपने नाम पे किसी को फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ाए कि नहीं? भैया मदद तो हमने ऐसे की कि भाई अभी तो हम आपके सामने दो बैठे हुए हैं, तो हमारा बाकायदा से तीन चार को ग्रुप बन चुके हैं, तो जिनमें से कुछ लोगों को हमने साथ अपने अकाउंट पे भी मतलब रखा, उनकी वीडियोस वगैरह छोड़ी, उनको फेम, अच्छा फेम दिलवाया, जैसे अच्छा फेम होता है ना, जैसे अब इसके अकाउंट पे मेरी वीडियो जा रही है, मेरे अकाउंट पे इसकी जा रही है, लेकिन चेहरा तो जा रहा है तो लोग तो जाहिर सी बात है पहचानेंगे, तो उनको हमने एक पहचान भी दिलवाई और उनको हमने अच्छा फेम भी दिलवाया। लेकिन वो क्या है जो अभी आपको हमने बोला कि पीठ पीछे बोलने वाले हमेशा अपने होते हैं, जो जानने वाले होते हैं वो होते हैं,
तो मकसद ये है कि वो हमारे मुंह पे तो हमारे थे, लेकिन लोगों ने हमें बोला कि वो आपको यूज़ करके छोड़ देंगे, लेकिन हमने उन्हों की बात पे इग्नोर किया और उनकी बात को मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जो उन्होंने कहा वो अच्छा ही कहा कि भाई वो यूज़ करके छोड़ के जाएंगे, और ऐसे ही सीन हुआ। उन्होंने हमसे तो फेम लिया, ठीक है, हमने उनको फेम दिलवाया, लेकिन वो जो है यानी कि हमारे मुंह पे हमारे हैं, और अभी भी पीठ पीछे तो वैसे ही लोगों के हैं। पीठ पीछे वार करते हैं। वार बाकायदा दे भाई इतना बड़ा छुरा लेके। आज का प्रोग्राम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।